हाय, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक लेटर ये भी निकल के आ रही थी, ये देखिए न्यूज़ 6 मई 2022 की है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, कार्यालय जिला अधिकारी गोरखपुर से निकल आ रही है। यहाँ पे क्या है कि समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर, विषय क्या है, दिनांक 4 मई 2022 से 18 मई 2022 तक एक अभियान चलाया जाएगा। अभियान क्या क्या किस चीज़ का रहेगा? अभियान के माध्यम से आयुष्मान कार्ड हेतु कैंप के संबंध में जितने भी गांव में जिनका कैंप क्या बोलते हैं उसमें आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिनका नहीं बना हुआ है उन लोगों का भी बनाया जाएगा, उसके लिए कैंप लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम आउट करते हैं, यहाँ पे लिख रहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर कार्यालय पत्रांक ABP MJAY अंत्योदय 2022-23 दिनांक दे दिया है 4 मई 2022 के अनुसार जनपद गोरखपुर में अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त किए जाने हेतु, जिनका भी अंत्योदय राशन कार्ड है उनका सरकार की यही कोशिश रहेगी कि उन सभी अंत्योदय कार्ड धारकों का आयुष्मान, जिसे गोल्डन कार्ड भी बोलते हैं आप लोग, गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त किया जाने हेतु विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में BLE के माध्यम से, और बनेगा कहाँ पे ये भी देख लीजिए, कोटेदार की दुकान पर। जितने भी गांव में कोटेदार रहेंगे आपकी, उनके भी दुकान पे बनाया जाएगा 4 मई 2022 से। लास्ट डेट इसका है लास्ट 18 मई 2022 तक। ये भी कैंप लगा कर किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीणवासियों को पता चले कि हाँ, आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ पे अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में विशेष रूप से ग्राम पंचायत के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त किया जाना है, जिस हेतु ग्राम पंचायतों में तैनात जितने भी पंचायत सहायक भाई हैं, पंचायत सहायकों को पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना अनिवार्य है। वो लोग खुद सहयोग करेंगे। संबंधित पंचायत सहायक द्वारा ग्राम पंचायत में अंत्योदय कार्ड धारक को परिवार के पात्र सदस्यों की सूचीबद्ध कर संकलित सूचना अपने कोटेदार को प्राप्त कराकर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने हेतु प्रेरित करेंगे, तथा प्रतिदिन कम से कम 10 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाते हुए सूचना आपके माध्यम से जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय द्वारा गूगल फॉर्म के लिंक पर उपलब्ध कराएंगे। ग्राम पंचायत के आयुष्मान लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त कराने हेतु पंचायत सहायकों को BIS ID बनाने हेतु गूगल शीट का लिंक पृथक यानी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपको उसमें काम करने में आसानी रहेगी। एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, जिसके माध्यम से करना रहेगा, जिसमें वांछित सूचना पंचायत सहायकों द्वारा अनिवार्य रूप से भरी जाएगी। जो भी सूचना रहेगी उस लेटर में आप लिखते जाएंगे, जिससे ID बनने के बाद भविष्य में वह अपना स्वयं आयुष्मान कार्ड बना सके। अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार दिनांक 4 मई 2022 से 18 मई 2022 तक आयुष्मान कार्ड संतृप्त अभियान में पंचायत सहायकों को तदनुसार कार्रवाई हेतु करे निर्देश जारी करते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, तथा प्रतिदिन की प्रगति से मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर को भी अवगत कराएं। ये देखिए, DM विजय किरण आनंद जो जिलाधिकारी गोरखपुर के हैं, उनका ये निर्देश है। फिर नीचे क्या दे रहा है, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर को सूचना अर्थात एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जिला पूर्ति अधिकारी गोरखपुर सूचना एवं अवश्य कार्रवाई हेतु प्रेषित। इन सभी लोगों का है, जिसमें साफ तौर पे DM विजय किरण आनंद जी ने कहा है, जिसके अनुसार ये गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, ये थी लेटर। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद भाई दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।